अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मोहब्बत के बग़ैर तो बहुत से लोग रह चुके हैं, लेकिन पानी के बग़ैर कोई नहीं रह सकता। अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स को देखें, UNDP, IMF और दीगर रिसर्च सेंटर्स के लेटेस्ट रिपोर्ट्स को देखें, तो हमें ऐसा पता चलता है कि पाकिस्तान ने 2005 में वाटर स्केसिटी लाइन को पास किया था। मतलब वहाँ से हमारे पास वाटर की स्केसिटी स्टार्ट हो गई, शॉर्टेज स्टार्ट हो गई। और 2025 में पाकिस्तान अक्यूट या एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस को फेस करेगा। और इस टाइम पे पाकिस्तान 36th मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। तो इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे या एनालिसिस करेंगे वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, इसके कॉजेस और इसका इम्पैक्ट क्या है और इसकी सॉल्यूशंस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हमें ऐसा पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया रेड क्लिफ अवार्ड के हिसाब से, वो बहुत ही अनफेयर था और इसमें इंडिया की कॉन्स्पायरेसी थी, क्योंकि जो ज़ेरा और फेरोज़पुर जो हैं वो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स थी, तो वो इंडिया को दिए गए रेड क्लिफ अवार्ड के हिसाब से। क्योंकि इंडिया को पहले ही पता था, नेहरू ने माउंटबेटन को ख़त लिखा था कि फेरोज़पुर और ज़ेरा आप हमें दे दें, उन पे इंडिया का हक ही नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी माउंटबेटन को ख़त लिखा कि ये एरियाज आप हमें दें, क्योंकि नेहरू को पता था कि वहाँ से पाकिस्तान के रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, मतलब वहाँ से पाकिस्तान का पानी फ्लो कर रहा है, तो नेहरू उसको कंट्रोल करना चाह रहा था। तो वहाँ से ये इनके बीच में वाटर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गई। फिर अयूब खान के दौर में 1960s में अयूब खान और जो नेहरू है इनके बीच में इंडस वाटर TT को साइन किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज है और अभी तक इनका डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर आप देखें तो इंडिया किशनगंगा डैम बना रहा है और दूसरे डैम्स उस जगह पे बना रहा है जहाँ पे उसको नहीं बनाने चाहिए। तो एक फैक्टर ये है, और दूसरी वजह यह है कि हमारे पास डैम्स की बड़ी शॉर्टेज है। हमारा कंट्री जो है वो सिर्फ डैम्स के ऊपर चल रहा है, मंगला और टरबेला, और नए डैम्स हम बना नहीं रहे। वेल, इमरान खान इसके ऊपर कुछ काम कर रहा है, लेकिन देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक तो हमारे पास डैम्स कम है और हमारे पास वाटर की स्टोरेज कम है उन डैम्स में। क्यों? क्योंकि देखें, पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 30 डेज तक अपना पानी स्टोर कर सकता है। इंडिया को अगर आप देख ले वो 220 डेज तक अपना पानी स्टोर कर सकता है। अगर आप इजिप्ट को देख ले तो इजिप्ट 1000 डेज तक अपना पानी स्टोर कर सकता है। तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं उन डैम्स की, और स्टोरेज कैपेसिटी और कम होती जा रही है डे बाय डे। क्यों? क्योंकि उनमें सिल्टिंग हो रही है, मतलब उनमें मिट्टी जमा हो रही है, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी भी कम हो रही है। और दूसरी वजह यह है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही फॉल्टी हैं। अगर आप हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी देख लें तो हमारा जो कंट्री है वो मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर चलता है। हमारा जो GDP है उसमें 18.5% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, मतलब 18.5% हमारी GDP तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो हम क्रॉप्स को या जो फसल लगाते हैं वो फसल भी ऐसी लगाते हैं जो पानी बहुत एब्जॉर्व करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका राइस है वो बहुत ही पानी को एब्जॉर्व करता है, और हमारा जो इरीगेशन सिस्टम है, जो हमारा फार्मर है वो भी इतना, उसमें भी इतनी अवेयरनेस नहीं, या उसको भी इतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि वो अच्छे तरीके से पानी को जो है वो फसल को दे। हम फ्लड इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और फ्लड इरिगेशन के हिसाब से हम पानी देते हैं अपने फसल्स को। अगर आप स्प्रिंकल्स को यूज़ करें और दूसरे तरीकों को यूज़ करें तो हम बहुत ही खासा पानी सेव कर सकते हैं। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में देखें तो वो ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अपने फसल को, लेकिन हम जो है अपने फार्मर्स के ऊपर काम नहीं कर रहे और उनको भी अवेयरनेस नहीं है। और हमारे पास पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है पाकिस्तान में। अगर आप देखें तो पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर रहा है तेज़ी से। एक तो हमारे पास पानी की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है और पानी की डिमांड बहुत चढ़ती जा रही है, तो इनके बीच में जो है वो बैलेंस भी क्रिएट नहीं हो रहा। तो इसी वजह से हमारे पास शॉर्टेजेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर हम पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकल विल भी नज़र नहीं आती। हमारे जो हुक्मरान है वो इतने अच्छे से, मतलब पाकिस्तान का मसला जैसे वर्ल्ड बैंक के पास, वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के। जो इंडिया कर रहा है, किशनगंगा डैम्स बना रहा है, दूसरे डैम्स बना रहा है, तो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, होमवर्क नहीं कर रहे अच्छे से कि हम जाएँ वर्ल्ड बैंक, जिसने आर्बिट्रेट किया था उसको जाएँ अप्रोच करें, यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच करें, दूसरे कंट्रीज़ को अच्छे से अप्रोच करें। और दूसरी बात, अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखें और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को देखें तो वहाँ पर भी जो भी हुक्मरान आ रहा है वो डैम्स नहीं बना रहा, क्योंकि डैम्स में टाइम लगता है, और जो डैम्स वो बना रहे हैं, मतलब जो विजन दे रहे हैं डैम्स का, वो भी 15-15 20-20 साल का है,
फिर उसके बाद जो हुक्मरान आते हैं वो डिले करते हैं इसमें, तो एक पॉलिटिकल विल भी बहुत ही कम लगती है पाकिस्तान में, तो ये भी एक वजह बन जाती है कि हमारे पास वोटर। और दूसरी वजह ये है कि हमारे पास क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा मसला है, हमारे पास थर में रेनिंग नहीं हो रही और दूसरे एरियाज़ में रेनिंग नहीं हो रही, तो इस वजह से पानी की जो शॉर्टेज है वो कम होती जा रही है, और पाकिस्तान की रैंक्स को अगर देखें आप 5th पोजीशन है क्लाइमेट इंडेक्स में, तो ये भी एक वजह बन जाती है। जो लास्ट वजह है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हम सिर्फ ब्रश करने के दौरान हम जो है ना 2-3 लीटर पानी जो है वो वेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और हमारे जो मज़हब में भी है हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि किसी भी चीज़ को आप वेस्ट ना करें, तो पानी की वेस्टेज को तो बहुत अच्छे तरीके से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने प्रोहिबिट किया कि आप पानी को बचाएं, उसको वेस्ट ना करें, तो एक हमारे पास अवेयरनेस भी बहुत कम है पानी के हिसाब से। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखें वाटर क्राइसिस के, तो वो बहुत ही हमें नज़र आते हैं। जैसे आप सोशल इश्यूज़ को देख लें, तो जो विलेजेस हैं और जहाँ पे फार्मर्स अपनी खेत करते हैं, तो वहाँ पानी के ऊपर जो है वो मसले हो रहे हैं, पानी के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि फसल को अच्छे से पानी मिल नहीं पा रहा। और उसके अलावा आपका जो कंट्री है, अगर हम इकोनॉमिकली देखें, तो आपका कंट्री जो है वो पूरा चलता है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, और आप जो है वो आपके पास पानी की शॉर्टेज हो जा रही, तो आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। और अगर हम मेल न्यूट्रिशन की बात करें, तो थर के एरियाज़ में इनमें पानी, उनको पानी पीने के लिए नहीं है, तो एक हेल्थ का भी बहुत ही बड़ा इशू होता है पानी की वजह से। और हम इसके अलावा हम पॉलिटिकली देखें, तो प्रोवेंसेस और सेंटर में बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ ऐसे डैम्स हैं जिनके बनने और ना बनने की वजह से हो रहा है कि ये डैम्स बनाए जाएं कि ना बनाए जाएं, जैसे कालाबाग डैम का मसला हो गया, तो इसी वजह से पॉलिटिकली भी बहुत ही इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। और उसके अलावा भी इसके बहुत ही बड़े वजहात हैं जिसकी वजह से जो इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा आ रहा है वाटर क्राइसिस का। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में से एक इम्पैक्ट ये भी है कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं। देखें, अगर आपके पास पानी हो और डैम्स हो आपके पास, तो आप वहाँ से पानी को फ़्लो करवा के टर्बाइन को आप घुमा सकते हैं। जब आप टर्बाइन को घुमाएंगे या रोटेट करेगा, तो उससे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो मतलब कि एनर्जी सेक्टर को भी बहुत बड़ा धचका लगता है सिर्फ पानी की शॉर्टेज की वजह से, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अब आते हैं सॉल्यूशंस टू वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। देखें, सॉल्यूशंस हैं, जो पहली सॉल्यूशन है वो ये है कि अवाम में अवेयरनेस लेके आनी चाहिए। देखें, जो हमारा कोई भी बंदा होता है, जब वो बाइक साफ़ करता है, जब आप बाइक साफ़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप टैप को ऑन कर देते हो और पाइप लगा देते हो और 2-2 घंटे तक आप बाइक को ऐसे साफ़ कर रहे हो, तो आप ऐसा ना करें। आप जब बाइक को साफ़ कर रहे हो, तो आप या कार या बाइक को आप साफ़ कर रहे हो, तो आप किसी बकेट में पानी लेके बॉटली में उससे आप उसको साफ़ करो। और स्पेशली हमारा जो मीडिया, गवर्नमेंट और रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, तो ये रिलीजियस स्कॉलर्स अपना रोल प्ले करें, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि आप पानी के बारे में आप उनको बताएं कि हज़रत मुहम्मद सल्लम ने पानी के ऊपर क्या कहा है, उन्होंने उसकी सेविंग के ऊपर क्या कहा है कि आप पानी को सेव करें। तो हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप क्रिटिसाइज़ के बदले आप कोशिश करें अवेयरनेस आवाम में लेके आएँ, आप पानी के ऊपर बात करें। तो नंबर वन है वो अवेयरनेस। जो सेकेंड सोल्यूशन है वो ये है कि आपके जो भी सिलेबस हैं सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूखा और बलूचिस्तान का, तो वो आप अपडेट करें और उसमें आप पानी के चैप्टर्स डालें, ताकि जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उनको पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले, तो उनको कुछ अवेयरनेस आएगी। जब स्टार्टिंग से उनको एक चीज़ की इंपॉर्टेंस की पता चलेगी, तो फ्यूचर में वो पानी को जो है ना वो वेस्ट नहीं करेंगे। और जो थर्ड सॉल्यूशन है वो ये है कि आप डैम्स बनाएं, लेकिन जब आप डैम्स बना रहे हो, तो आप बड़े बड़े डैम्स ना बनाएं जिनका प्रोजेक्ट 15-15, 20-20 साल का, जिनके लिए आपको चैरिटी की भी ज़रूरत पड़े, आप कोशिश करके छोटे डैम्स बनाओ। और जब आप डैम्स को बना रहे हो, तो उनको यतीमों की तरह आप फेंक ना दें, उनकी जो स्लिट है या उनकी मेंटेनेंस है आप वो करें, उनमें से जो स्लिट निकालें, मिट्टी है वो निकालें, उसकी मेंटेनेंस को अच्छे तरीके से आप करें, ताकि आपकी जो फ्यूचर में पानी की शॉर्टेज है वो ना हो, रिडक्शन ना हो, उस जो डैम की जो कैपेसिटी है वो उसी कैपेसिटी में ही रहे, ना कि मेंटेनेंस की वजह से उसकी कैपेसिटी लो हो जाए। तो कोशिश करके आप डैम्स बनाओ और उनकी सिल्टिंग के ऊपर भी देखो, आप मेंटेनेंस भी उसकी करो। और उसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाओ, स्पेशली कराची में। देखिए, कराची में कितना खारा पानी है, लेकिन वो पीने लायक नहीं है। अगर बड़े स्केल पे उसकी फिल्ट्रेशन की जाए, तो वो एक इकोनॉमिक और रीजनेबल प्राइस में मिल सकता है, तो उससे जो कराची का पानी का मसला है वो भी हल हो सकता है। और उसके अलावा कराची में कितनी ह्यूमिडिटी है, तो आप कोशिश करके वहाँ पे टेक्नोलॉजी ऐसी इंट्रोड्यूस कराओ जो दीगर कंट्रीज़ ने किया है, जिसमें ह्यूमिडिटी से पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो टेक्नोलॉजी की मदद से उस पानी को ड्रिंकेबल बनाया जाता है। तो कोशिश करके आप कराची में ऐसी फिल्ट्रेशन प्लांट्स और टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करो। और उसके अलावा आपका जो इंडस वाटर TT है, आप उसको रिवाइज़ करो, उसमें जो फ्लॉज हैं उसको रिमूव करवाओ,
और इसको अच्छे से निगोशिएट करो ताकि हमारे जो जो हमारा हक है वो इंडिया हक ना मार पाए वाटर फ्लो का। इंडिया को प्रेशराइज़ करवाएं यूनाइटेड नेशंस या किसी और चैनल के थ्रू ताकि वो जो इंडिया है वो वहाँ पे किशनगंगा डैम या ऐसे दूसरे और डैम्स ना बनाए ताकि जो हमारा जो पानी फ्लो होके आ रहा है उसको डाइवर्ट ना कर सकें। तो आप ये भी स्टेप ले सकते हैं। और अगर आप अपने इकोनॉमिक सेक्टर को देखें तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन नहीं हो रही, तो आप कोशिश करके जो आपका फार्मर है आप उसको कोशिश उसको पॉलिसीज ऐसी इंक्लूड करो कि वो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर आए और जो स्प्रिंकल इरिगेशन है उसके ऊपर आए, ना कि वो फ्लड इरिगेशन करे। देखिए हमारे फार्मर को एक एजुकेशन ही नहीं है, तो आप उसको ट्रेनिंग दें, आप उसको अच्छे से ट्रेनिंग दें इन चीज़ों के ऊपर कि कैसे ड्रिप इरिगेशन लगाती है, कैसे स्प्रिंकल्स लगाए जाते हैं और जो फसल्स हैं वो आप शुगर केन और राइस के अलावा दूसरे भी फसल्स के ऊपर आएँ। बेस्ट तो ये है कि आप उनको इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लेके आएँ, इंडस्ट्रीज की तरफ लेके आएँ। देखें जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आपके 40% आपके जो है ना वो लेबर को एब्जॉर्व करती है। तो जब आप अपने फार्मर्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके आएंगे, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन खुद करेंगे और फार्मर्स को वहाँ जॉब्स देंगे, तो इससे जो है आपका एग्रीकल्चर थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा आपकी कंट्री को और आपकी GDP में और अच्छी ग्रोथ होगी और इन्वेस्टमेंट अच्छी आएगी। तो कोशिश करके आप अपने फार्मर को एजुकेट करो और जो जो फार्मर्स हैं उनकी उनको कोशिश करके आप इंडस्ट्रीज़ की तरफ लेके आओ। और वाटर क्राइसिस के और भी कॉजेज, इम्पैक्ट और सॉल्यूशन से अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर जो है वो छोड़ जाएँ ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।